मैं एक आम इंसान हूँ। इस सूबे में बसने वाले करोड़ों आम इंसानों जैसी एक आम इंसान, जिसके एक वोट से खास लोगों की हुकूमतें तो बनती हैं, लेकिन इसके इलाज, जायदाद के फर्ज के हुसूल, डोमिसाइल का इजरा और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जैसे बुनियादी हकूक की फरहमी पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। मैं अक्सर सोचा करती थी कि क्या हम आम इंसानों के जीने का हक तस्लीम करते हुए हमें सेहत, तहफ्फुज और कई दूसरे हकूक अमीर गरीब का इम्तियाज किए बगैर मिल सकेंगे। इस सूरत हाल की एक वजह वो गैर मुनसिफाना निज़ाम था, जिसको बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की गई थी। चूँकि मुआशरे में नाइंसाफी, करप्शन और सरकारी इदारों में खिदमात की नाकस फरहमी की वजह से पैदा हुआ, मुझ जैसे करोड़ों आम इंसानों की दुआएं रंग ले आई। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने खिदमात तक रसाई 2014 का कानून नाफिज कर दिया है। आज खैबर पख्तूनख्वा हर नए दिन के साथ तब्दीली की मंजिल की तरफ गामजन है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये तब्दीली मौसर बनाने के लिए हम सबको मिलकर आगे कदम बढ़ाना होगा। सरकारी इदारों में खिदमात को मुकर्रा वक्त और शफाफ अंदाज में फरहम करना हुकूमत का मिशन, इससे होगा अवाम और हुकूमत में एतमाद बहाल। बदल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, न्यू लाइन, ये नया निजाम। राइट टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा।